नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की इंटरव्यू डेट्स बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंटरव्यू डेट्स बताई भी थी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंटरव्यू डेट्स सभी स्कूलों के लिए अलग अलग रहेंगी। कांगड़ा, सिरमौर, ऊना, कुल्लू, मंडी और सोलन के कैंडिडेट यह वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम कांगड़ा से शुरू करते हैं, फिर बाकी ब्लॉक्स की लिस्ट आपको बताएंगे। कांगड़ा के ज्वाली एजुकेशन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले लगभग 35 स्कूलों की लिस्ट आपके सामने है। सभी का नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आप अपने स्कूल का नाम चेक कर सकते हैं। 8 अप्रैल तक आप अपने आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आप अपने सभी डॉक्यूमेंट जैसे दूरी प्रमाण पत्र, बाढ़ प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, निर्धन प्रमाण पत्र, सभी तरह के प्रमाण पत्र अटैच करके आप सादे पेपर पर एप्लीकेशन लिखकर खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद हम राजा के तालाब ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की लिस्ट देखेंगे। लिस्ट आपके सामने है, यहाँ पर आप अपने आवेदन 5 से 13 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। राजा का तालाब ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की लिस्ट आपके सामने है, आप अपने स्कूल का नाम चेक कर सकते हैं। राजा के तालाब के बाद अब हम देखते हैं नूरपुर खंड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की लिस्ट। यहाँ पर आप अपने आवेदन 25 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। इन स्कूलों में राजकीय प्राथमिक पाठशाला भटका, निहार, थोड़ा, बहुड़ी, मेरा, नक्की, बहुड़ी खास, पकवान, बटवार, रिन्ना, जाच, कियोड़, गारियाँ, थाना, काथल, तानन, गेही, लगेर, खेल, जोरा, सम्मान, यार्ड, जसालता, सदबा, मदनपुर, सुरियाली, देव भराड़ी, लोहारपुरा, भरमौली, राजकीय माध्यमिक पाठशाला थोड़ा, भागनी व खेल के लिए आवेदन जमा करवा सकते हैं। आप अपने आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। आपको सादे पेपर पर एप्लीकेशन लिख लेनी है और सभी तरह के योग्यता प्रमाण पत्र इसके साथ अटैच कर देने हैं। कब से है और कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर की पोस्ट खाली क्यों नहीं है। दोस्तों, डिप्टी डायरेक्टरेट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन सभी BU ऑफिस को जारी कर दी है कि जिन जिन स्कूलों में पोस्ट खाली नहीं है, उन स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है या अन्य स्कूल हैं, अगर बच्चों की संख्या 10 से अधिक होगी तो पोस्ट क्रिएट करके सूचना विभाग को भेज दी जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, खंड शिक्षा अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से स्कूल से इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि 10 बच्चों की कंडीशन आवश्यक है, तभी पोस्ट क्रिएट होगी और साथ ही वहाँ कोई पार्ट टाइम डेली वेज वर्कर कार्य ना करता हो। दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप अपने डॉक्यूमेंट सादे पेपर पर एप्लीकेशन लिखकर संबंधित स्कूल के माध्यम से BU ऑफिस में भेज सकते हैं, जिसकी सूचना आपको न्यूज़पेपर या फिर नोटिस बोर्ड द्वारा कम से कम 15 से 20 दिन पहले दे दी जाएगी। उस बीच आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिरमौर, मंडी, ऊना, सोलन और सिरमौर की।